बड़ों ने सिखाया है कि अपनी संस्कृति का आदर करो। मुझे भी एक सवाल पूछना है। आपका नाम क्या है सर? इंट्रोडक्शन के लिए टाइम नहीं है, सीधे सवाल पूछूंगा तो नहीं चलेगा? पूछिए सर। श्री राम जी के पिताजी का नाम क्या था बोलो? दशरथ महाराजा। अगला सवाल है, हिंदी के प्राचीन प्रख्यात कवियों के नाम बताओ। ये लोग इस सवाल का जवाब दे पाते हैं कि नहीं? इतनी पढ़ाई करके इतना भी ज्ञान नहीं है? अब देखो हमारे लोग कैसे झटपट जवाब देंगे। अच्छा भाई साहब आ गया, जवाब दो। वो जावेद अख्तर, गुलजार साहब, और वो तीसरा क्या नाम है उनका? आदित्य चोपड़ा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लगता है मेरा दोस्त कुछ ज्यादा ही फिल्में देखता है इसलिए कंफ्यूज हो गया। अब रैपिड राउंड, ऑल बॉयज रेडी हो ना? रेडी। और बड़े भैया आप मुझे कौन बताएगा कि रावण की नगरी का नाम क्या था? लंकापुरी। रावण की बहन का नाम? शूर्पणखा। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि। रावण के दो भाई थे, एक राम भक्त था और दूसरा बहुत शक्तिशाली, उनके नाम बताओ। विभीषण और कुंभकर्ण। अब रामायण पर आखिरी सवाल, महाराज दशरथ की पहली पत्नी, उसके बड़े बेटे की पत्नी, मिथिला नगरी के राजा जनक की बेटी, जिसका रावण ने अपहरण किया और लंका ले गया, उसका नाम बताओ। बड़े भैया कैसी रही? मुझे भी बता देना, मैं भी मीडिया को इम्प्रेस करना चाहता हूँ। वो है राम की पत्नी द्रौपदी उर्फ पांचाली। वाह 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 वाह। लगता है श्रीराम दल के लीडर रामायण और महाभारत में कंफ्यूज हो गए हैं और ये अपने आप को श्रीराम दल के लीडर कहते हैं। अरे तुम क्या मेरे साथ रामायण पे कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हो? और रामायण के अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? मैं जा रहा हूँ, बाय। अरे और दो चार सवाल पूछ ले, चल रहे। अरे तुम क्या, अरे रुको, अरे रुक जाओ सर, प्लीज सर रुकिए सर, एक सवाल पूछना है सर। सर रुकिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स, वो भी इंग्लिश में? उन लोगों को फिर से बुलाऊं क्या? अगर तुम मेरी रक्षा करोगे तो कहीं से कोई भी आए मुझे कोई चिंता नहीं। थैंक्स। ये चीयरलीडर्स ही हैं जिनके साथ मुझे थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन मैं बर्बाद हो चुका हूँ। मेरे पास ऑटो रिक्शा के लिए भी पैसे नहीं। आर के साहब, आप तो ऐसे रो रहे हैं जैसे किसी छोटे बच्चे के मुंह से उसकी दूध की बोतल छीन ली हो, ऐसा क्या हो गया? बीपीएल के वक्त सूर्या भाई ने बैटिंग में बाहुबली के कलेक्शन से भी ज्यादा पैसा जमा कर लिया। उसने फाइनल मैच फिक्स कर ली और मैं हार गया। बदला लेने की चाह में विजय बैटिंग का सारा पैसा उनसे छीन कर ले आया। उसी वजह से सूर्या भाई और किंग मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। पर इसमें डरने की क्या बात है? आप उससे कॉम्प्रोमाइज कर लो, बात बन जाएगी। कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मैं किंग के रॉयल दरबार में गया था। सर आपके भाई ने बैटिंग के वक्त चीटिंग की थी, इसीलिए मुझे जबरदस्ती पैसा निकालना पड़ा। अब पिछली बातें भूल जाइए, हम दोनों बिजनेसमैन हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मेरी तरफ से एक स्मॉल ऑफर। एग्जैक्टली। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तुम अपना बिजनेस क्यों नहीं छोड़ देते? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या कहते हो? सर बेवड़े कुमार, ध्यान से सुन, तेरी दारू का, फ्लाइट का, होटल का सारे बिजनेस खा जाऊंगा। फुटपाथ पर रहने के लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे। गुरु भाई, रियाज से कहो कि इसके नाम का अरेस्ट वारंट निकाले। चल निकल यहां से। अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो हरी भाई। देखिए मिस्टर रोहिल कुमार, मुझे आपकी मदद करने में सच में बहुत खुशी होगी, लेकिन हमें अगर किंग के खिलाफ कोई न्यूज ब्रॉडकास्ट करनी है तो उसके लिए सॉलिड एविडेंस की जरूरत पड़ेगी। एविडेंस मिल जाएगा सर। ये कौन है? ये वही लड़का है, मैंने बताया था ना। जाइए अपने न्यूज रीडर्स को मेकअप और माइक्रोफोन के साथ रेडी होने के लिए कहिए सर। कल रात को लोग सास बहू के बजाय आपकी न्यूज देखेंगे, आपकी टीआरपी जरूर बढ़ेगी। ये आखिर कह क्या रहा है? मैं गेम खेलने जा रहा हूँ। क्या हाल है सूर्या भाई? गेम शुरू हो रहा है, हेड्स या टेल्स? साले कौन है बे तू?
इंट्रोडक्शन के लिए टाइम नहीं। अरे तू इस फील्ड में नया लग रहा है, कहाँ से आया है रे तू? कहाँ से आया हूँ? करोड़ों भाई बहनों के परिवार में बड़ा हुआ ऐसा खुशनसीब हिंदुस्तानी हूँ। हैदराबाद में बिरयानी खाई है, कोलकाता में खूब रसगुल्ले ठूसे हैं, दिल्ली में पराठे खाए हैं, पंजाब में ढेर सारी लस्सी पी के छक्के लगाए हैं, चेन्नई का सुपर किंग हूँ, राजस्थान का रॉयल प्लेयर हूँ, मुंबई टीम को जीतना मैंने सिखाया, बेंगलुरु में आज भी अपन के चर्चे हैं, गुजरात का इकलौता लायन हूँ और पुणे में हर बच्चा मेरे जैसा खेलना चाहता है, ऑलराउंडर हूँ मैं, बचपन में प्लास्टिक के बॉल से खेला, फिर रबर और टेनिस बॉल, और अब मैं सीजन से खेलता हूँ। मार्केट में अपन का भाव बढ़ा है, सारी टीम्स अपन से जुड़ना चाहती है, और तू कहते तू अपन को नहीं जानता। विजय गली चैंपियन, गली में खेलते खेलते यहाँ तक आ पहुँचा हूँ, स्टार प्लेयर। तू यहाँ क्या करने आया है? तू मुझे कितने पैसे देगा भाई, उतना ही खेलूंगा। भाई ये देखो क्या कर रहा है। मैं इधर तुम्हारा लंबा चौड़ा डायलॉग और आगे होने वाला एक्शन शूट करने आया हूँ, लेकिन पकड़ लिया इस काले सांड ने। सॉरी भांजे। भाई ये वही है जिसने पुलिस वाला बन के अपना पैसा लूट लिया था। अबे साले। This is again a 6-0 moment. Long off. He's timing perfectly, isn't it? Kidhar gaya sala? Hey! कमी ना कहीं का। भांजे हमें पैसा मिल गया, चलो चलते हैं। अरे रुको मामा, अगर तू पहले कॉपरेट करता तो तुझे बैंडेड की जगह मेकअप लगाते सूर्या भाई। ये इंजेक्शन लगने के बाद हर कोई मिट्ठू मियां बन जाता है। रेडी मामा? फील्ड क्लियर भांजे, फोकस, रोलिंग, एक्शन। क्रिकेट मैच फिक्सिंग का सारा पैसा मेरे भाई किंग का है, मेरे भाई किंग का। क्रिकेट का करप्शन दुनिया के सामने लाने के लिए ही स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। तो क्या किंग का भाई सूर्या भाई सच में सट्टेबाज है, या फिर इस सारे खेल के पीछे खुद किंग का ही हाथ है? क्या किंग का भाई सूर्या सच में सट्टेबाज है? मैच फिक्सिंग का सच क्या है, अब ये पूरा देश जानना चाहता है। इसे कहते हैं असली ब्रेकिंग न्यूज। मैं ही सट्टेबाज हूँ और सट्टे का सारा पैसा जय शक्ति पार्टी के फंड में जाता है, ये बात सूर्या भाई ने कबूल कर ली है। ये वीडियो पूरे देश में वायरल हो चुका है। क्या सच में जय शक्ति पार्टी के फंड में आने वाला पैसा करप्शन का पैसा है? पार्टी का साथ देने वालों का अब पार्टी से भरोसा उठ चुका है। इस रैकेट की क्या सच में जरूरत थी, और वहाँ का सारा पैसा आखिर गया कहाँ? ये मेरा सवाल नहीं है, ये सवाल पूरा देश पूछ रहा है। किंग को वोट देने वाली जनता इस सवाल का जवाब चाहती है। राजा कोई कमीना है जो सूर्या को फंसा रहा है। जानता हूँ मैं अभी। तुमने मुझे गाली दी सीएम को। सॉरी सर, मैंने आपको नहीं कहा। मैं हेडलाइन क्या लिखूं, कोई कमी ना यही तो हम पहले से ही परेशान है, ऊपर से ये बुड्ढा दिमाग चाट रहा है। नॉनसेंस, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? सर सॉरी सर, आपको नहीं सर, मेरे सामने कोई बैठा है उसको। हेलो हेलो राजा। हेलो राजा। हेलो हेलो हेलो। अब ये मोबाइल नेटवर्क भी साथ नहीं दे रहा। सर आप ही ने तो उनका 2G सैंक्शन करवाया था। ज्यादा मत बोल। हेडलाइन क्या लिखनी है? अरे पहले टीवी बंद कर। जी सर।
सर, सूर्य भाई पे लगे आरोपों के बारे में आप क्या कहेंगे? जय शक्ति पार्टी का आधे से ज्यादा पैसा क्रिकेट बैटिंग के जरिए आता है, क्या ये बात सच है? क्या ये बात आपको पहले से पता थी? सर, सारे के सारे सबूत कहीं ना कहीं आपके तरफ ही इशारा कर रहे हैं। अगर विरोधी पार्टी इस्तीफा मांगे तो क्या आप देंगे? हो गया, सारे सवाल पूछ लिए आप लोगों ने। पूछिए पूछिए, और सवाल पूछिए। इलेक्शन के पहले ही मेरे मीडिया दोस्तों को एग्जिट पोल एनालिसिस करने के लिए माल मसाला मिल चुका है, क्यों गुरु भाई? हाँ, तो मेरे मीडिया दोस्तों, आप सबने मुझसे इतने सवाल पूछे, अब मैं आपसे एक आसान सवाल पूछता हूँ कि क्या आप लोगों को पता है कि मैं पिछले हफ्ते कहाँ गया था और क्या कर रहा था? सर, हमें बस इतना पता है आप विदेश गए थे, लेकिन उसकी वजह नहीं पता। वेरी गुड विकास, पिछले हफ्ते मैं स्विट्जरलैंड गया था। वैसे मैं वहां चले शाहरुख की शूटिंग देखने के लिए नहीं गया बल्कि अपनी पार्टी का भविष्य देखने के लिए गया था। पार्टी फंड का मिसयूज हो रहा है या नहीं ये देखने के लिए स्विस बैंक गया था। हाँ, मिसयूज हो रहा है। पार्टी के फंड का मिसयूज करने वाला दूसरा और कोई नहीं बल्कि मेरा भाई है। गृह मंत्री होने के नाते आई डिक्लेयर द अरेस्ट ऑफ सूर्या। मैं अपने भाई को बचाने के लिए उन लोगों का विश्वास नहीं तोड़ सकता जिन्होंने मुझे उनका नेता बनाया। ये बात पूरी तरह सच है कि सूर्या मेरा सगा भाई है, लेकिन इस देश का हर एक नागरिक मेरे परिवार का हिस्सा है। मेरे ख्याल से मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। थैंक यू। कौन है वो जिसने मुझे मेरे भाई को अरेस्ट करने पर मजबूर किया? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही होगा। गुरु भाई, हाँ, ये मीडिया वाले सूर्या तक पहुंचे उससे पहले रियाज से कहो सूर्या को खत्म कर दे। हाँ?